अरे अब भी हमारी बात पर विचार करो तो कुछ तुम्हारा बच जाएगा, अंता न तुम बचोगे न तुम्हारा राज्य बचेगा न तुम्हारी प्रजा बचेगी। समय आने पर मैं वो सब पैसा निकाल के ले आऊंगा, देश सेवा में लगाऊंगा, सतयुग तुम्हारे सामने आके खड़ा दिखाई देगा। मैं 10 वर्षों से बराबर यही संदेश दे रहा हूं कि बीमारियों से अगर बचना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाओ। शासन प्रशासन को चाहिए कि शाकाहार का देश में प्रचार कराएं, दूषित आहार को बंद करा दें। नहीं, ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनके द्वारा देश में बहुत कम लोग बचेंगे। ये तमाम मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा, और तुम एक एक इंच पर जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे का समय कितना खराब आ रहा। ये सब मकान खाली पड़े रहेंगे, ये जमीनें सब खाली पड़ी रहेंगी, इतने खराब समय की सूचना। पहली बात कोई जानता नहीं है, वो त्रिकालदर्शी संत महापुरुष भूत भविष्य को जानने वाले कोई आपको संकेत इशारा कर सकते हैं, बाकी ये काम कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नहीं है, वो कोई भविष्य वक्ता नहीं है, वो कोई त्यागी तपस्वी नहीं है, वो कोई संयमी नहीं है, उनके अंदर कोई आत्मबल नहीं है और आत्मा के विषय में कोई जानकारी उनके पास नहीं है, इसलिए ये काम संत महापुरुषों का। हमारा देश धार्मिक देश, धर्म लाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, ऐसे धर्म नहीं आता। और ये युद्ध किसके लिए हुआ? वो मांसाहारी शराबी कबाबी व्यभिचारी अहंकारी इनका विनाश करने के लिए, और आज तुम उन्हीं को बढ़ावा दे रहे हो। क्या तुम भी विनाश को आमंत्रण कर रहे हो? क्या विनाश को आमंत्रण दे रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो कि विनाश हो जाए? फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम्हारा इतिहास बनेगा? क्या तुम्हें कोई जानेगा पूछेगा? अरे अब भी हमारी बात पर विचार करो तो कुछ तुम्हारा बच जाएगा, अंता न तुम बचोगे न तुम्हारा राज्य बचेगा, न तुम्हारी प्रजा बचेगी न राजा बचेगा। ये परिणाम बहुत ही खराब होगा, ये बुरे खान पान का और जीवों की निर्मम निर्दोष हत्याएं करवाने का परिणाम बहुत बुरा। ये लाखों जीव रोज मारे जा रहे, काटे जा रहे, बेगुनाह, कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं की, उनको मारा काटा जा रहा एकमात्र स्वार्थ के लिए, एकमात्र व्यापार के लिए। इतना जघन्य अपराध किया जा रहा है तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या इस पर कोई विद्वान नहीं सोच रहा? कोई बुद्धिमान पढ़ा लिखा नहीं इस पर सोच पा रहा कि ऐसा समय जब जब आया, तीन तीन युगों का इतिहास तुम्हारे सामने पड़ा, उसको पढ़ लो, समझ लो और चेत जाओ और होश में आ जाओ और अपना अपनी प्रजा का बचाव कर लो। इसमें आपका भी लाभ है, तुम्हारी प्रजा का भी। नहीं मानोगे तो महात्मा अपना फर्ज अदा करते हैं, वो बराबर बताते रहते हैं, मानना न मानना ये तुम्हारा काम है। तो इसलिए प्रभु एक एक बात को हमको कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरा एक काम नहीं था। अगर तुमने सब काम कर लिया होता और रामचरितमानस जो कह रही उसके अनुसार तुम्हारा कर्म होता, धर्म होता, तो हमें कहने बोलने की क्या जरूरत थी? राजनीति, भारत की राजनीति क्या कहती? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया है कि जो भी राजा इस भारत जैसी धार्मिक भूमि पर राज करेगा, राजनीति करेगा, अरे उसके राज में प्रजा अगर दुखी है
वो राजा नरक में जाएगा। रामचरित मानस क्या कहती है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन पावा से नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी वो राजा नरक में जाए, चाहे देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, गांव का प्रधान हो या परिवार का मालिक मुखिया हो, सबका अपराध एक ही, सजा सबको एक ही। का अगर उसके संरक्षण में रहने वाले जीव अगर वो परेशान है, दुखी है, तकलीफ में है, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा, वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक में जाएगा। बड़ा सीधा साधा ये संतों का सिद्धांत। गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है वो गृह संत थे, वो कोई कथावाचक कोई ये अक्षर ज्ञानी नहीं थे, संत ज्ञानी थे। उनका ये लेख राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा, भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति बिना धार्मिक तो से नहीं चलाई जाती। धार्मिक का मतलब शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको धार्मिक कहते हैं, वो धर्म की स्थापना करी। बाकी ये नहीं कोई दिखावा, ये मतलब दाढ़ी बाल लाल पीला सफेद कपड़ा, ये धार्मिक नहीं है, ये धार्मिक नहीं। तो तुम इसी भूल में फंस गए हो, इन्हीं को धार्मिक मान बैठे और ये सब अधर्मी। सबके अंदर स्वार्थ भर गया और स्वार्थ कभी सेवा धर्मार्थ परमार्थ नहीं कर सकता, ये स्वार्थी के बस की बात नहीं है। राजनीति के बारे में लिखा है भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति वही चलाएगा जो प्रजा को पुत्रवत समझेगा, पुत्रवत समझकर पालन पोषण करेगा, राजकोष का धन बर्बाद नहीं करेगा, वो प्रजा की खुशहाली के लिए, प्रजा के दुख तकलीफ दूर करने के लिए बीमारी महामारियों में खर्च करेगा, लेकिन अपने शरीर पर, अपने परिवार पर, अपने मान सम्मान के लिए एक नया पैसा खर्च नहीं करेगा। ये भारत जैसे धार्मिक देश में राजा की पहचान है और आपको इस पहचान को ध्यान में रखना चाहिए। प्रजा का धन मतलब यानी कोई अनावश्यक कार्य में खर्च नहीं किया, और तुम्हारे यहां सब अनावश्यक, जिसकी कोई जरूरत नहीं, जिससे कोई भारत की जनता को लाभ नहीं, कोई सुख शांति नहीं, कोई न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं, उसमें अरबों खरबों का धन ये बर्बाद किया जा रहा है, ये भी इसी से वसूल किया जाएगा। ये मत सोचे कि हम राजा हैं, कानून राजा प्रजा कुछ नहीं देखते, कानून तो कानून है, सिद्धांत तो सिद्धांत है। जब वसूलों और सिद्धांतों के शिकंजे में आ जाओगे तो कभी नहीं बचोगे, इस पर बराबर ध्यान रखे आप। संत रविदास जी ने अपनी ज्ञान पोथी में लिखा है, एक भविष्यवाणी उन्होंने की है, क्या कहा उन्होंने बड़े ध्यान से सुनिए, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, अनोखा सेनानी, तीर तमंचा भाला बरछी वो बम नहीं चलाएगा, केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया को सुधार देगा, देश दुनिया में सतयुग लागे खड़ा कर देगा, यानी सबके हित की व्यवस्था, सबके लाभ की व्यवस्था, सबको रोजी रोटी मिलेगी, सबकी बेटी की सुरक्षा होगी। और क्या कह रहे रविदास जी,
वो महाशक्ति महापुरुष, वो सृष्टि का अनोखा पुरुष है। ऐसी लीला करेगा जिसे कोई कभी न समझ सकता न कर सकता। क्या करेगा? जीते जी कई बार मरेगा, चंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ पूरा मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज सबकी सोच, सबके मन मस्तिष्क में भारत देश के प्रति विचार होना चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत कैसे बचेगा, क्योंकि इन जिम्मेदारों ने ऐसी समस्याओं में लाके खड़ा कर दिया है, तो बचने का कहीं कोई उपाय दिखाई ही नहीं देता। इसलिए रविदास जी को कितने पहले, सैकड़ों साल पहले आए थे, मीराबाई के गुरु थे, सैकड़ों साल पहले से ये बता रहे, इनको कहते त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी रखने वाले। सैकड़ों साल पहले ये कहा है जो मैं बता रहा हूं। कहा था, जिसने भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, इस भारत को जिसने लूटा है वो कौन कौन है? संत महापुरुष नाम भी बता रहे हैं कि नेता, मंत्री और अधिकारी, अब इनको जान बचाना होगा भारी। इन्होंने बहुत लूटा है, बहुत प्रजा को सताया है, तरह तरह से परेशान किया है, न्याय की कई बात दिखाई नहीं दे रही, सुरक्षा कहीं पर यानी दिखाई दे नहीं रही है, तो संत रविदास जी को कहना पड़ा है। वो ऐसा समय होगा, उस समय का ऐसा राजा होगा जिसने भारत माता को लूटा है और झूठी जय जयकार मनाता है, उसके लिए रविदास जी क्या कह रहे हैं? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़कर सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष महाशक्ति क्या करेगी? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। इसमें बचने वाला कोई नहीं है। इनको भी फिक्र ही क्या है, जो हमने किया है, लूटा है, लूट के विदेशी बैंकों को भर दिया है, ये समझते कोई जानता नहीं है। अरे संत महापुरुष थे, तुम कुछ छिपाई नहीं सकते, जब तुम ले जा रहे थे तब भी वो देख रहे थे, जहां जिस बैंक में रख रहे थे तब भी वो देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा ये संत महात्माओं से तुम छिपा नहीं सकते। भारत की जनता को गुमराह कर सकते हो, उनके सामान की चोरी, उनके धन की चोरी कर सकते हो, लेकिन महात्माओं से आप छिपा नहीं सकते। कहा था, बच्चा मुझे सब मालूम है, किस देश की किस बैंक में किस खाते नंबर पर किस कोड नंबर पर किसका कितना कितना पैसा जमा लूट के ले आया। कहा समय आने पर मैं वो सब पैसा निकाल के ले आऊंगा, देश सेवा में लगाऊंगा, सतयुग तुम्हारे सामने आके खड़ा दिखाई देगा। मेरे पास योजना घूम का व्यवस्था है, जिसके द्वारा यानी ये पैसा आएगा। इन लोगों ने सोचा बाबा जी के पहले ही हम कर दे, तमाम नेताओं ने कहा हम यानी धन ले आएंगे, हम विदेशी धन ले आएंगे, हम विदेशी बैंकों से करेंगे कर कुछ। अरे तुम्हें मालूम नहीं किसका कितना कितना जमा, और तुम्हारा भी जमा है, तो चोर चोर मुसूते भाई भाई। अरे भाई चोर कोई चोर की चोरी थोड़ी खोलेगा, ये सब प्रचार करेंगे, सबकी निंदा आलोचना बुराए ले वोट मांगने के लिए, लेकिन ये चोरी नहीं बताएंगे किसका कितना किस देश की बैंक में चला, क्योंकि सबका जमा है, कोई तो बाकी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है
कि जो जिसका ना जमा हो, किसी का कम किसी का ज्यादा जमा सकता। और समय आ रहा है, वो समय किसी को माफ नहीं करता है। ये समझते हम राजा रहे हमें माफ हो जाएगा, अरे समय क्या कहता, मनुष्य बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान। और भिल्लन लूटी गोप का, वही अर्जुन वही बाण। ये उदाहरण है महाभारत का। जब वो नहीं बच पाए तो तुम कैसे बच जाओ। इसलिए थोड़ा सा आप इंतजारी करिए, जो जो कहा गया है या कहा जा रहा ये सब करके दिखाया गया, साथ तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया गया। लेकिन पहले इसलिए बताया जा रहा, ये लोग ये न कहे कि कोई जानता नहीं हमारी चोरी, इनको ये नहीं मालूम कि देखने वाला सबको देख रहा, वो तो सबको देख रहा जिसको तुम नहीं देख रहे, वो तुम्हें देख रहा है लेकिन तुम उसको नहीं देखते, वो जानकार उसकी बात है, उसका ये कथन है, उसका ये प्रयास है, उसकी ये जानकारी है, आपको ले लेनी चाहिए, नहीं समय से पछताना पड़ेगा और नरकों में कितने हजार वर्ष तक तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इस भारत देश की जनता का धन लूटा, इसका कर्म कर्जा भुगतान था। ये बेचारे भूल गए हैं जिनको भगवान कहते हो, कृष्ण को भी कर्म कर्जा देना पड़ा, धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी, एक धोखे से, तो बेलिए ने उनके पैर में बाण मारा और बस खत्म हो गई, उनको भी परिणाम भोगना पड़ा कि तुमने हत्या की है, हत्या का बदला हत्या। और ये लोग तो करोड़ों जीवों की रोज हत्या करा रहे, रोज एकमात्र व्यापार के लिए। अब दुनिया में कोई व्यापार नहीं रह जाए, शराब के ठेके खुलवाना, शराब के साइन बोर्ड लगाना, मुर्गा मीट के साइन बोर्ड लगवाना, ये भारत देश की गरिमा है, ये भारत देश का इतिहास है, ये भारत देश की महिमा है। अरे कुछ तो परमात्मा के लिए कुछ तो डरो, कुछ तो डरो, ये सब करते कहते धार्मिक देश है, धार्मिक सत्ता। तो हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, सड़कों पर भगवान राम का साइन बोर्ड नहीं, भगवान कृष्ण का नहीं मिलेगा, किसका मिलेगा, शराब के ठेकों के साइन बोर्ड। भारत जैसे धार्मिक देश पर, जो राम की यानी कर्म धर्म भूमि और कृष्ण की कर्म भूमि है और संतों की योग भूमि है, आज उस भूमि पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, किया। और आप भी दोषी हैं, क्योंकि आप कहते हैं जुर्म सेना भी सबसे बड़ा दोष पाप है, ये कह नहीं पा रहे हो, और तुम्हारे हाथ मुट्ठी में सब कुछ, तुम्हारी मुट्ठी में सब कुछ, जहां मोर लगा देते हो वही राजा पैदा हो जाते, ये तुम्हारी मुट्ठी में अधिकार है, और तुम भी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हो, लिहाजा सजा तुमको भी मिलेगी, तुमको जो सत्य कहता नहीं करता नहीं उसको तो मिलता ही, और जो ऐसे अधर्मियों का साथ देता है वो भी सजा पाने का अधिकारी होता है। रामचरितमानस क्या कह रही है कि सुन खगत पाती ये समुझ प्रसंगा, और बुध नहीं कर ये अधम कर संगा, का बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का साथ नहीं देते, झूठा झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले और अनैतिक कार्य कराने वाले ऐसे लोगों को साफ नहीं करता, और आप तो सब उन्हीं का साथ करते, तो कहां तुम रामचरितमानस को मानती। यही तो बात है कि रामचरितमानस को मानते रामचरितमानस की नहीं मानते, श्री राम को मानते श्री राम की एक भी बात नहीं मानते, एक भी सिद्धांत को नहीं मानते, मंदिर को मानते लेकिन मंदिर की नहीं मानते कि मंदिर किस लिए बनाया जाता, इस मनुष्य मंदिर को
पाक साहब निर्मल पवित्र रखने के लिए, ये बाहर में समझाने के लिए ये ईंट पत्थर के मंदिर बनाई जाती, लेकिन इनको बनाकर कितना समझा पाए हो, और तुम्हारे पास भी मनुष्य मंदिर तुम स्वयं कितना समझ पाए हो, ये सब विचार करने का विषय है। ऐसा नहीं है, रविदास जी ने यह भी कहा है कि आफत कहां से आएगी, इटली से कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा की प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा भारत में, न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संतरा सुख बरसाएगा, सहस वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरुवन भारत जागे, ये भारत जगेगा विश्व गुरु बनेगा। ये किसी के दिल दिमाग में नहीं कि इनकी सोच उधर की तरफ नहीं है, इनकी सोच केवल शरीर के मान सम्मान अधिकार तक है, ये आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए प्रेमियों, समय की बात को समय से सुनो।